कांग्रेस 138वां स्थापना दिवस धनबाद में मनाई गई। 2024 में कांग्रेस को धनबाद सीट जीतने का लिया संकल्प। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस 138वां स्थापना दिवस आज पूरे देश में मना रही है। धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी ने भी स्थापना दिवस मनाया धनबाद निरीक्षण भवन में मनाया गया, जिसमें भारी संख्या में कांग्रेसी पहुंचे। वहीं जिला अध्यक्ष संतोष सिंह ने वरिष्ठ कांग्रेस के नेताओं को शॉल ओढ़ और गुलदस्ता देकर सम्मानित किया। ने कहा कि आज स्थापना दिवस कांग्रेस मना रहे हैं, आज के दिन सभी कांग्रेसी संकल्प लेते हैं कि 2024 में धनबाद कांग्रेस विजयी होगी और देश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। साथ ही कहा कि मैं चुनौतीपूर्ण समय में धनबाद जिला कांग्रेस का अध्यक्ष बना हूँ, पार्टी को गांव-गांव तक मजबूत बनाने का संकल्प के साथ और सभी लोग अनुशासित होकर कांग्रेस को धनबाद में मजबूत करने का काम करेंगे। वहीं मौके पर युवा नेताओं ने भी अपनी अपनी बात रखी। कांग्रेस का जो गौरवान्वित इतिहास रहा है उसी की पटकथा को लेकर आज स्थापना दिवस था और इस स्थापना दिवस पर धनबाद जिला के कोने कोने से लोग आए हुए थे। कार्यकर्ताओं की भावनाओं को सुना गया और जो एक कहावत है कि कुछ खास है हस्ती जो मिट्टी नहीं हमारी, तो 137 वर्षों का जो इतिहास है वो आज भी जिंदा है, कायम है और लगातार संघर्ष कर रहा, रोडों पे दौड़ रहा है। तो इसको लेके हम लोग आज चिंतन मंथन किए हैं 2024 में कैसे कांग्रेस वापस धनबाद में जीते, सभी विधानसभा में जीते, पूरे प्रदेश में जीते, देश के अंदर में जीते, इसको लेके हम लोग आज प्रण किए हैं और संकल्पित हुए हैं। अपने बुजुर्गों को, पूर्वजों को जिन्होंने कांग्रेस को संवारा है, सजाया है, उनको हम लोग नमन किए हैं, श्रद्धांजलि अर्पित किए हैं। और देखिए ये 138वां स्थापना दिवस जो है ये पूरे धनबाद में नहीं पूरे हिंदुस्तान में सब लोग मना रहे हैं, ठीक है। और सबसे पुरानी पार्टी 137 साल पूरा हो चुका, 138वां साल में हम लोग प्रवेश किए, जिसको लेकर के आज हम लोगों ने यहाँ पे निरीक्षण भवन में बहुत प्रोग्राम रखा जो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं। सारे कांग्रेसी यहाँ पे हजार की संख्या में आए और सुबह 10 बजे से लेकर के अभी समय हो रहा है 4 से ऊपर सब लोग जुटे रहे, सब लोगों ने अपनी अपनी बातें यहाँ पे रखी और कांग्रेस का कैसा कल्चर रहा है, क्या क्रियाकलाप रहा है, उसी पे हम लोग बात किए। और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे भोजन का भी व्यवस्था था, उसके बाद फिर सब भोजन किया। और मैं आपके चैनल के द्वारा एक संदेश ये देना चाहूँगा, पूरे भारतवर्ष को मैं संदेश देना चाहूँगा कि जो अभी का माहौल है, जात पात से हट करके ऊँचा उठ करके भारत को ऊँचा बनाइए। गरीबी को आज गरीब कितने त्रस्त है, भूखे प्यासे रह रहे हैं, महंगाई चरम सीमा पे है, पर मिडिल क्लास और जितने भी गरीब लोग हैं सब मारे गए हैं। और आपको एक बात बता रहे हैं कि देखिए सच पूछिए ना कि हिंदुस्तान की जो अर्थव्यवस्था जितनी है ना, उतनी अर्थव्यवस्था की आधा पैसा 10 धनसेठों के पास है। अडानी, अंबानी, हिंदुजा ब्रदर्स, इन लोगों के पास इतना ज्यादा पैसा है। आप अगर देखिएगा तो आज से 8 साल पूर्व वो क्या थे और 8 साल में वो कहां से कहां एशिया के सबसे बड़े उद्योगपति बन गए इनके राज में। तो यही सब मामला है, इसी को लेकर के संगोष्ठी थी आज, हर साल होता है ये प्रोग्राम और ये संगोष्ठी थी, यही विचार विमर्श हुआ और हम लोगों ने संकल्प लिया कि आने वाला दिन में जो है धनबाद खास करके हम लोग जो बीजेपी का जो गढ़ ये लोग मान रहा है इसका किला को ध्वस्त कर करके और कांग्रेस का परचम हम लोग 2024 पर लहराएंगे।